नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। गुरुवार को रोहना गांव में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार ने जो ट्रांसफर ड्राइव चलाया हुआ है उसमें रोहना गांव के स्कूल की 3 पोस्ट खत्म कर दी है, जिसके चलते रोहना गांव से अध्यापक ट्रांसफर होकर चले जाएंगे और यहां पर कोई नहीं आएगा, जिससे यहाँ की छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द ही इस तरह के नियम में बदलाव नहीं किया गया और यहाँ पर अध्यापक नहीं भेजे गए तो वे धरना शुरू कर देंगे। सोनीपत रोहतक में झज्जर जिले का वर्ष 1934 का अंग्रेजी के जमाने का इकलौता कन्या स्कूल में इन दिनों प्राध्यापकों की कमी से जूझ रहा है और अब प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण बड़ी कक्षाएं बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं, जिसके चलते रोहना गांव के लोगों ने यहां विरोध भी शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1934 में गांव की बेटी स्नेहलता ने अपनी 8 एकड़ जमीन दान देकर लड़कियों के लिए सोनीपत रोहतक और झज्जर तीनों जिलों में एकमात्र कन्या स्कूल खुलवाया था। उस समय यहां पर हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध थी, लेकिन प्रशासनिक अपेक्षा के चलते आज यह स्कूल इतना अधिक प्रभावित हो रहा है कि यहां की मैथ हिंदी और फिजिक्स की सीटें प्रशासन ने कैप्ट कर रखी हैं, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी विरोध है। ग्रामीणों का कहना है कि हरियाणा के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर करतारी देवी, एजुकेशन मिनिस्टर शांति राठी दहिया व पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया भी इस स्कूल में पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। यही नहीं, हरियाणा के करीब 500 से अधिक बड़े अधिकारियों की माताएं भी इस स्कूल में पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब जब स्कूल के हालात प्रशासनिक अपेक्षा के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब सरकार ने यहाँ की पीजीटी के 3 पद कैप्ट कर रख लिए हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर अध्यापकों के मुताबिक छात्र संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ से अध्यापकों का ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अध्यापक आएंगे नहीं। ऐसे में छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मौजूदा हाल में 9वीं से 12वीं कक्षा तक 76 छात्राएं हैं, जबकि छात्र संख्या और अधिक होती अगर दाखिले के समय यहाँ पर अध्यापकों की संख्या विधिवत रही होती, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण स्कूल में मौजूदा हाल में कम छात्राएं हैं, जबकि स्कूल में कुल 100 से अधिक छात्राएं हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर यहाँ से टीचर गई और कोई टीचर नहीं आया तो ग्रामीण विरोध पर उतर जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी शुरू कर देंगे। यही नहीं, इस बारे में ग्रामीण शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी मिलकर अपनी मांग रखेंगे। उधर दूसरी तरफ ग्रामीणों ने मामले की शिकायत सीएम विंडो में भी लगाई है और गुजारिश की है कि पुराना रोहतक जिला अंग्रेजों के टाइम का रोहतक जिला, जिसमें सोनीपत, झज्जर और रोहतक तीनों जिले शामिल हैं, उन जिलों के सबसे पुरानी एकमात्र कन्या विद्यालय को इस तरह से अपेक्षा का शिकार बनाना गलत है, जबकि इस विद्यालय को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाना चाहिए था। और इस मौके पर बस्तीराम बल्ले पहलवान, संजय प्रधान, जितेंद्र, अमित मास्टर, मंजीत फोला, विक्की ठेकेदार उपस्थित रहे। आज हम सब गांववासी इकट्ठे हुए हैं, हमने सूचना मिली है हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत यहाँ से जो स्टाफ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, उनके स्टाफ को यहाँ से ख़त्म करने जा रहे हैं पोस्ट को। ये गांव रोहना का स्कूल अंग्रेजों के ज़माने में सन 1934 में बना था, तब से ले गए आज तक यहाँ से क्षेत्र की अपनी जो कन्या है, नारी शक्ति है, महिलाओं के लिए अग्रणी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ से शांति राठी माननीय शिक्षा मंत्री, करतारी देवी, शकुंतला भगवाड़िया और आज के दिन बहुत सारे IAS, IPS, HCS, उनकी दादी, नानी, बुआ, मौसी, मम्मी बहुत सारी स्कूल में पढ़ के गई हैं। अंग्रेजों के ज़माने में हॉस्टल होता था यहाँ, और आज इस स्कूल के टूटने की समस्या आ रही है। हम सब गांव वालों की प्रार्थना है इस स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल, कन्या मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाए, जिससे क्षेत्र की जो महिला शक्ति है, जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए शिक्षा में काफ़ी बड़ा गांव है, उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़े और यहाँ अच्छी शिक्षा की सुविधा हो। आज हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि सरकार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके विरोध में हम सभी ग्रामवासी हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि 9वीं से 12वीं तक ट्रांसफर स्कूल, जो 5 साल की जिनकी पॉलिसी हो चुकी है, उनका ट्रांसफर होना निश्चित है। लेकिन जो हमारा रोहना गांव है वहाँ पर PGT के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी, ये जो विषय अनिवार्य विषय हैं, जिन विषयों पर पढ़कर स्टूडेंट अपना भविष्य का निर्माण करते हैं,
इनके लिए एक पॉलिसी कैप्चर्ड कर दी गई है और जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो गांव से टीचर बदली तो हो सकता है लेकिन इस पॉलिसी के तहत हमारे स्कूल में कोई नया टीचर आ नहीं सकता। क्षेत्र के स्कूलों में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कृष्ण भक्ति करते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी। नन्ही छात्र जहां कृष्ण राधा की वेशभूषा में स्कूल पहुंचे वहीं अन्य से स्टेज पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंग गुलाल उड़ाकर जन्माष्टमी के पर्व को मनाया। शहर के बिरला इंटरनेशनल स्कूल के जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ चेयरमैन कुलदीप सिंह व उपाध्यक्ष निर्मला देवी निदेशक प्रवीण डागर ने दीप प्रज्वलित करके किया। विद्यार्थियों ने इस दौरान कविता भाषण गायन नृत्य नाटकों के माध्यम से जन्माष्टमी पर्व को बनाया जिसमें कृष्ण जन्म के कारागृह दृश्य से मठ की दोहन तक की खूबसूरत झांकियां दिखाई गई। कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर दहिया ने प्रतिभावान छात्रों को साप्ताहिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए और प्राचार्य दिनेश शर्मा ने जन्माष्टमी के महत्व पर प्रकाश डाला। निदेशक प्रवीण डागर व एनडी निदेशक एसएन शर्मा ने 21वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का स्वागत किया। चेयरमैन कुलदीप दहिया ने कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को 1100 रुपये इनाम स्वरूप दिए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ये अपना पाई नहर है, पाई नहर से और गांव तक पशुओं का तालाब भरने के लिए मेरे गांव में इतनी बड़ी समस्या थी, पानी लाए तो कैसे लाएं, और स्पेशल पाइपलाइन दबा दी। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।